हाँ, रबर मेल DN2, और इसका टाइम है 1:25। लंगर तकसीम किया जा रहा है जी यहाँ पे। तको मोनम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोनम भाई अस्सलाम, कैसे है जी मोनम भाई? अस्सलाम वालेकुम, क्या हो जी, क्या हाल है? ठीक है सब। मेरे साथ हैं जसिम भाई इस टाइम, और हम जा रहे हैं जी लाहौर, और मैंने लगाया हुआ है बैग जिसमें मेरा सामान है। तो मोनम भाई की तरफ जा रहे हैं। मोनम भाई काफी अरसे से कह रहे हैं कि आओ जी, आओ लाहौर, आओ, आपको खाबे खिलाएं लाहौर के। क्या स्पेशल चीज है जी? जो भी फ्री हो वो ही अच्छी है। हाँ ओके। तो आज की जो स्पेशल चीज है, और काफी अरसे से हमने ट्राई भी नहीं किया, तो हमने सोचा है कि इस बार हम ट्रेन के थ्रू जाते हैं, उसमें अच्छी वाली क्लास भी होती है। मुझे पता लगे बिजनेस बोलते हैं उसको, बिजनेस। अच्छा, तो हम वाया ट्रेन जा रहे हैं, और बिजनेस क्लास हमने कराई है, क्योंकि हमने कहा थोड़ा बजट से ऊपर चले जाओ, लेकिन थोड़ी सहूलियत हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज ट्रेन में फिर खड़े होकर ही जाना पड़ता। और यहाँ से फिर हम असलमदाल से जाएंगे रावलपिंडी। रावलपिंडी स्टेशन से हम बैठेंगे रेल में, 1 बजे की टिकट है, और देखते हैं कि किस टाइम तक आती है। पाकिस्तान है, हमेशा लेट हो जाती है, तो देखते हैं क्या हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा रेलगाड़ी का। हम सब वाई रेडी हुए हैं जी, फुल अपने सफारी सूट में। और मलिक फैजान किधर है जी? फैजी किधर है? फैजी भाई भी रेडी हैं जी। तो भाई जेंगो पे सस्ती राइड्स देख रहे हैं, और उनसे रबते कर रहे हैं, आगे से वो इनकार कर देते हैं कि नहीं जाना। जी हमारी राइड आ गई है, अभी जैसिम भाई नेगोशिएट करेंगे क्या सीन है। खैर जी, हम अपनी राइड वाली गाड़ी में बैठ गए हैं। बैदी भाई को झूठ बोल दिया कि हम पहुंचने वाले हैं। दीदी मैंने क्या कहते हुए पहुंचने वाले हैं। बैदी चाचू को हमने कह दिया कि हम 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं तकरीबन। अभी आप वॉक एंड से देखते हैं, तकरीबन 40-45 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 1 घंटा हमने जान कर रखा हुआ। ग्राइंड, हम पहुंचे हैं रावलपिंडी की रेलवे स्टेशन। यार वैसे रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल खाली खाली फील हो रहा है। जी जी, वो गाड़ी में बैठ गए सारे। हाँ, रबर मेल DN2, और इसका टाइम है 1:25। हमारी टिकट्स हैं 4 बंदों की, तो अभी फैजान भाई के लिए इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मामला तय कर दें, ताकि हमारे साथ ही टिकट हो जाए, अगर होता है। क्या जी, कोई गुंजाइश? उम्मीद है कि वो उम्मीद ही करेंगे। उम्मीद है कि ना ही करें। ऐसा असलमदाल में भी है, असलमदाल रेलवे स्टेशन में भी ऐसे एक डमी इंजन रखा हुआ है। जासिम भाई, ये प्लास्टिक का है या सीमेंट का है? लोहे का है। अच्छा, अफला जा रहा है बाजार की तरफ, वहाँ कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन में काफ़ी टाइम है, और अभी हुआ चाहता है वक्त 11:15 का, तो 1 बजे हमने ट्रेन नहीं 1:25 पे आएगी जो टाइम दी हुई है। जासिम भाई टको ना, क्या नहीं टकने। फिर रावलपिंडी सदर स्टेशन के पास काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी होटल्स हैं, तो अभी हमने ही सोचा कि यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे वो चने मिलते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बुर्क चने, तो वहाँ जाते हैं कॉर्नर फूड्स वाले के पास, वो पहले भी खाए हैं, बड़े मज़े के होते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर सुबह का नाश्ता लाहौर में इंशाल्लाह करेंगे। बहदी चाचू, क्या खिलाएंगे आज? छोले भटूरे, चिकन छोले, चिकन छोले, क्या हो जी छोले? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सुभान अल्लाह, आ गई नी जी चने, रायता है, कीशा है, ये बड़े लजीज होते हैं जी। पहले चने होते पा के देने। बहदी चाचू ग्रेवी मंगवा रहे हैं। हमने पहले जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम ग्रेवी का रिवाज नहीं था, और इन्होंने हमें विजिट किया था। अभी इन्होंने नया नया सिस्टम लागू किया है, उसमें ग्रेवी भी देते हैं। और ये देखें, इसके हालात चेक करें। रेलवे स्टेशन आ गए, अभी हमारी गाड़ी में काफ़ी टाइम तो नहीं है, तकरीबन आधा घंटा है,
डेढ़ होने में, अभी एक बज चुका है तकरीबन। ये जी बाय द वे रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन है। ये जसिम भाई हैं अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये रोटी खा थक गए हैं। ये इतना खाते हैं कि बाद में थक जाते हैं, फिर सस्ताते हैं, फिर सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर अगली रोटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। सो दैट्स जसिम भाई फॉर यू बेबी। क्या जी इस क्लास में इस तरह के अपार्टमेंट है और आई गेस 6-6 परसेंट की सीटिंग होती है। भाई का टिकट करा रहे हैं जी, बिजनेस क्लास ओपन किया था लेकिन एडजस्ट हो जाता जब अगर जगह है ऑलरेडी हमारे पास, तो फाइनली हम अपने अपार्टमेंट में आ गए। यहाँ पे 6 बर्ड्स हैं तकरीबन, बन जाते हैं 6 अगर, एक तो ये हो गया, एक ये इसको यहाँ से पुश करके ना आप खोल सकते हैं, दो ये हो गए, दो इसी तरह ये हैं और दो जो नीचे वाली सीट्स हैं वो एज अ बर्थ यूज़ हो सकते हैं। इसमें आप इजीली लेट सकते हैं, सो सकते हैं, काफ़ी खुली जगह है। 6 पर्सन के लिए तो बेस्ट है, वैसे है भी 6 पर्सन के लिए। काफी इजी होके जा रहे हैं, जैसे भाई अंदर अकेले बैठे हैं, कौन सा इस वाले में अकेले नहीं बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के गपशप नहीं हो सकती थी, तो लिहाजा हमने कहा कि मलिक साहब के साथ आके गपशप लगाएं और इंजॉय करें लाइफ को। सांस घुट रहा था इसलिए हम अंदर से बाहर आ गए और अभी हम रवा दवा हैं लाहौर की जाने और अभी हम रावलपिंडी से निकले हैं। चकलाला कैंट का जो स्टेशन है उसको क्रॉस किया, थोड़ा सो लेते हैं, अभी जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे लाहौर इंशाल्लाह बाकी वीडियोस वहीं बनाएंगे। 15 मिनट्स लेटर भाई ट्रेन इतनी हिल रही है कि नींद नहीं आ रही, केबल काफ़ी बंद है तो उसकी वजह से बाहर निकल के हवा लेते हैं। यहाँ जी इधर क्या कर रहे हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं, बारिश हो रही है और यार बारिश लगी हुई है। जैसम भाई क्या स्टेटस है? बारिश में हो बारिश यूं अचानक हुई। फैजान भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं और ये है जसिम भाई और ये है मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ वॉशरूम में और ये वॉशरूम है इस रेलगाड़ी का और इस रेलगाड़ी में मसला ये है कि इस पे बैठा भी नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी जरासीम होंगे, अनहाइजेनिक है और यहाँ खड़े होकर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि रेलगाड़ी बहुत ऐसे ऐसे हो रही है। ना छाल मार सो कलो तो दो लगे डालो और भाई चले अल्लाह हाफिज फिर हमारी तरफ से। आपको मिल गया था टिकट? अच्छा जसिम भाई गए हुए हैं अभी बिस्किट और बोतल शोतल लेंगे। क्या जी गुजरावाला पर हम पहुंचे हैं जी, गुजरावाला रेलवे स्टेशन काफी चहल पहल। हमारे गाड़ियों के डीलर हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं कि जेन्युइन है आउटसाइड के नहीं, पर इनके मुताबिक कितनी प्रोटीन है जी इसमें, इसमें को 2-2 गज प्रोटीन है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और आ गया जी लाहौर आके ते लाहौर ही नाश्ता कर सा क्या जी। मोनम भाई अस्सलाम वालेकुम। मोनम भाई अस्सलाम, कैसे है जी मोनम भाई? आखिरकार हम पहुंच गए जी अपने दोस्त मोनम लावा के साथ और ये है मोनम लावा, हमें रिसीव करने आए हुए हैं जी लाहौर जंक्शन। थैंक यू मोनम भाई। लाहौर दा एक कोई पावा मोनम लावा।
नहीं। नाश्ता वाश्ता करके फिर जाएंगे मोनम भाई के घर, वहाँ फ्रेश होंगे, सो जाएंगे, दो तीन घंटे रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जाते हैं कहीं नाश्ता करने, और ये हमारा काफिला आगे आगे जा रहा है नाश्ते के लिए गामजन। अब अल्लाह करे नाश्ता अच्छा ही हो, लाहौर का नाश्ता तो वैसे बेहतरीन ही होता है, तो जाते हैं कहीं नाश्ता करते हैं सही हो, मतलब वो किस्म का। और ये है मोनम भाई की सिविक, ये मोनम भाई जो है ना ये सिविक वाले लोंडे हैं। मोनम हमें कहाँ लेके जा रहे हैं नाश्ते के लिए? इंशाल्लाह ताला अगला स्टॉप होगा गुड चने मॉडल। अच्छा गोगा मुर्ग चने मॉडल टाउन जा रहे हैं जी। अब ये गोगा नकी जाओ आप तो सीधा आप बस बेसिकली मॉडल टाउन पार्क है। गोगा नकी भी है मुर्ग चने जी। अंडा और छोले, होल अंडा उबला हुआ और छोले, क्या कॉम्बिनेशन है। मोनम भाई ये क्या चीज है? ये चिकन, चिकन चिकन लेकिन ये चिकन चोले। मोनम भाई ने बहुत ही बेहतरीन नाश्ता करवाया है, बहुत ही अच्छा नाश्ता था, रिकमेंडेड है। आप भी आए तो यहाँ से नाश्ता करें। मोनम भाई ने हमें नाश्ता कराने के बाद हमें जॉगिंग कराएंगे, ये कौन सा मॉडल टाउन पार्क, मॉडल टाउन पार्क जा रहे हैं जी। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और 124 acres है विद इन द सिटी। ओके लश ग्रीन इंशाल्लाह यू विल लव इट। ये वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वैसे पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, तो इनको इनको रकबो शकबो का पता होता है, आइडिया होता है क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ पे करेंगे योगा। मोनम लावा हमारे यहाँ पे वो हैं, गाइड हैं, गाइड नहीं वो क्या कहें इंस्ट्रक्टर हैं, हमें योगा कराएंगे। मोनम भाई भाई हम पहुँच आए मोनम लावा के घर, और अभी हम जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, सोएंगे शोएंगे। हमारे बॉयज को देख लें, इनकी हालत देख लें, फुल डल हुए हैं, तो अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी मामला देखेंगे। क्या जी वो हैं जी बसेस, ये डबल डेकर बसें हैं, इनके ऊपर बैठेंगे। ऊपर वाले पोर्शन के हमने टिकट करा लिए। जगह है वो वाली बिल्डिंग है जहाँ पे ईद का चांद इनको हमेशा नजर नहीं आता, ये वाली बिल्डिंग है जी। पहला शहर है जिसने पान खाए हुए है जी, ये देखें, ये जी जेली दरबान बने हुए हैं जी। 2023 में दरबानों वाला गेटअप करके ये मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आ गए जी खान शनवारी हुजरा, यहाँ पे हमने कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ है, दो कढ़ाइयों का, एक कीमे की कढ़ाई है दुम्बे की, और एक है सिंपल कढ़ाई जो दुम्बे की कढ़ाई होती है, शनवारी कढ़ाई।